न्यूज समाज का आईना होता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो न्यूज वही जो सच दिखाए। PCI हमेशा एक कदम आगे। आपने भी देखा है, आपने कवर किया है। आज सुबह 5 बजे से ये हादसा चालू हुआ। कोंडराम दरबार के हमारे जय के परिवार के लोग सुबह 5 बजे गेट भक्तों के लिए खुला रहता है। मेन गेट खुला था, माथा टेकने के लिए लोग आते थे, लेकिन वो गेट खोल के अंदर आने के बाद दरवाज़ा तोड़कर अंदर जो परिवार थी, 6-7 जन की टोली जो बाहर गाड़ी खड़ा किया था, अंदर आए, दरवाज़ा तोड़कर अंदर जो भीतर थे, किसी के हाथ में चौपड़ था, किसी के तलवार था, किसी के हाथ में कोयता था,
और हर एक को लगा कि पूरा घर उन्होंने लूट लिया है। लगभग 50-60 लाख की मतलब सोना और बाकी कैश जितना भी जो उनकी जीवन की पूंजी थी पूरा की पूरी, और मंदिर का भी कुछ सोना था वो लेके गए। इस तरीके का हादसा बार बार उल्लासनगर में हो रहे। मैं पुलिस प्रशासन को विनंती करता हूँ कि ये सतर्क रहे और प्रिवेंटिव एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि मर्डर और डकैती, रॉबरी, चोरियाँ, चेन स्नैचिंग, बैग स्नैचिंग ही दिन दाड़े हो रही है। लोगों का पुलिस के ऊपर से विश्वास नहीं उड़े, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। उनका जल्द से जल्द रिकवरी होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज सवेरे 5 बजे साईं डामाराम दरबार में एक केस हुआ, राबड़ी हुआ है, जहाँ पे 5 से 7 लोग तलवारें चापर से अंदर आए और उनका दरवाज़ा तोड़ के सोना कैश लेके गए। न्यूज समाज का आईना होता है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो न्यूज वही जो सच दिखाए। PCIS हमेशा एक कदम